खबर रीवा से है, जहां के स्पॉन कंपनी के डंपिंग यार्ड में आग लग गई। आग लगने की जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया, जहां फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। वहीं आग किन कारणों से लगी है और आग से कंपनी को होने वाले नुकसान का अभी अनुमान नहीं लगाया गया है। आपको बता दें कि रीवा के बोदाबाग के अजगरहा स्थित के स्पॉन कंपनी के गोडाउन में आग लग गई। मौके पर पुलिस पहुंची है, जिसकी जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता लग पाएगा। नीचे मार, नीचे नीचे मार, आ जमीन महा जमीन से नीचे जा, नीचे बुझा के जा रहे। ये कौन सा प्लांट है, किसका है और ये किस प्रकार कैसे आग लगी? ये के स्पन कंपनी है, सीवर का काम करती है, तो ये उनका डंपिंग यार्ड था। तो यहाँ करीब एक घंटा पहले सूचना मिली कि पाइप्स में आग लग गई है, तो उसके बाद हमने फायर ब्रिगेड वगैरह बुलवाया, आग पे कंट्रोल किया है और अभी भी फायर ब्रिगेड काम कर रही है अपना। लगभग सभी पूरी तरह कंट्रोल हो गई है आग पे। अभी नुकसान के बारे में नहीं बता सकते, इनके जो ओनर आए हैं वो आ रहे हैं, तो उनसे पूछताछ में कितना माल था, कितने का नुकसान हुआ, इसकी जानकारी ली जाएगी। आग किन कारणों से लगी है ये भी जांच का विषय है, तो ये भी जांच में आगे पता चलेगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस पाइप में आग नहीं लग सकती। नहीं, एक्चुअल में देखिए, जो पाइप रखे थे इनके आसपास सूखी झाड़ियाँ थी, तो हो सकता है वो झाड़ियों में पहले आग लगी हो, उसके बाद हो। तो ये तो सभी जाँच का विषय है, आसपास जो गार्ड है उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद हम बता पाएंगे।